तो बेटा आउटर प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, तो आउटर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो वाई दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, क्योंकि ये बहुत दूर है सन से, ठीक है। और क्या बात है, और बात ये है बेटा कि दे आर गैसियस प्लैनेट्स, मतलब इसमें हार्ड सरफेस है ही नहीं, ठीक है। तो जब हार्ड सरफेस है ही नहीं लेकिन फिर भी प्लैनेट्स हैं ये, फिर भी ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो आपके आउटर सरफेस हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आउटर प्लैनेट यानी कि जो फिफ्थ प्लैनेट है आपका, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। इसको गैस जाइंट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये गैस का एक बहुत बड़ा सा बॉल टाइप का दिखता है आपको, ठीक है। तो ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, गैस जाइंट है, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको जुपिटर के बारे में कि जुपिटर जो है ना बेटा वो क्या है, वो जुपिटर जो है वो एक रोमन गॉड, जुवियन नाम के एक रोमन गॉड थे, उनके ऊपर इसका नाम पड़ा जुपिटर। अच्छा, अब जुपिटर चूंकि आउटर प्लैनेट है, बहुत दूर है, कितना दूर है भाई सन से, तो ये 778 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, समझ रहे हो। अभी तक आप 200 के आसपास थे, अब 778 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, दूर है ये आपका जो है सन से। तो बेटा जाहिर से बात है जब इतना दूर है सन से तो इसको रिवॉल्व करने में भी तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसको कितना टाइम लगता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, 11 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा, 11 ईयर्स एंड 315 डेज। इतने साल यानी कि 365 में पहले 11 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 315 और ऐड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना टोटल डे लगता है इसको जो है कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, ठीक है। अब जुपिटर के बाद जो आपका सिक्स्थ प्लैनेट है, हम उस पर चलते हैं। सिक्स्थ प्लैनेट आपका सैटर्न है बेटा, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, सैटर्न। अब सैटर्न के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है हमने, सबसे पहली बात जो सुनी है सैटर्न के बारे में वो क्या सुनी है, कि सैटर्न के पास रिंग्स हैं, 9 रिंग्स। सैटर्न के पास कितने रिंग्स हैं, टोटल 9 रिंग्स हैं सैटर्न के पास, ठीक है। और ये रिंग्स किस चीज़ की हैं ये भी तो जान लें। तो बेटा ये रिंग्स जो हैं वो किसकी हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स की हैं, वो आइस की हैं, वो रॉक्स की हैं, ठीक है। इनकी छोटे 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 पार्टिकल्स इसके चारों तरफ हैं, किसके, आपके सैटर्न के चारों तरफ, ठीक। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न का जो है ये भी बहुत दूर है भाई, ये तो आपका जुपिटर से भी दूर है। तो ये कितने डिस्टेंस है इसकी भाई, तो इसकी डिस्टेंस है 1427 मिलियन किलोमीटर, समझ रहे हो बात को, जस्ट डबल अप्रोक्सीमेटली ऑफ जुपिटर, ठीक। अच्छा भाई, अब जब ऐसी बात है तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा रिवॉल्व करने में, तो इसको कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 29 ईयर्स एंड 167 डेज, ठीक है, 29 ईयर्स एंड 167 डेज लगता है सैटर्न को रिवॉल्व करने में सन के चारों तरफ, सन के अराउंड, ठीक। अब सैटर्न के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यूरेनस पे। यूरेनस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है यूरेनस। आप जब यूरेनस को देखोगे ना रिवॉल्व करते हुए, अगर आपको कभी कोई फुटेज मिल जाए ऐसी जिसमें आप देख रहे हो यूरेनस रिवॉल्व कर रहा है, तो आप उसको जब रिवॉल्व करते देखो तो पता है क्या लगेगा ऐसा लगेगा ना कि एक बहुत बड़ा सा व्हील, अ जाइंट व्हील, ठीक है, जाइंट मतलब बहुत बड़ा व्हील जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो चारों तरफ चल रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा किससे मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यूरेनस से, ठीक। अब यूरेनस के बारे में कुछ और जान जाओ बेटा। यूरेनस जो है वो 90 डिग्री पर टिल्टेड है, जैसे आपका अर्थ है ना वो 23 डिग्री पर टिल्टेड है, झुका हुआ है, वैसे आपका यूरेनस पूरा 90 डिग्री पर टिल्टेड है। इसलिए जो इसकी रिंग है ना, यूरेनस के पास भी रिंग होती है, तो उसकी रिंग वो जो है वो ऐसा रिजेंबल करती है, ये जाइंट व्हील है, ठीक। अब इसकी डिस्टेंस क्या है सन से, तो बेटा इसकी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है सन से, 2872 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है किससे, सन से, ठीक। अच्छा भाई, जब ऐसी बात है तो इसको टाइम भी बहुत लगता है, पता है कितना टाइम लगता है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना टाइम लगता है, 84 ईयर्स एंड 7 डेज, 84 ईयर्स, सोच सकते हो, बाप रे बाप, बूढ़े हो जाएंगे हम लोग तो, ठीक है, एक बार इसके रिवॉल्व करने में हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक। 84 ईयर्स और 7 डेज लगते हैं यूरेनस को अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, सन का चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने में।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम चलते हैं नेपच्यून के पास। बेटा ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है, सबसे सबसे ठंडा है। क्यों सबसे ठंडा है? क्योंकि सन से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। वहाँ पे सन की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है, बहुत 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 कम पहुँचती है। इसलिए नेपच्यून जो है वो क्या है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, अब नेपच्यून का नाम भी एक रोमन गॉड, गॉड ऑफ सी, रोमन गॉड ऑफ सी पे, सी के एक मतलब समुद्र के एक रोमन गॉड थे, उनके नाम पे नेपच्यून का नाम पड़ा है बेटा। अच्छा कुछ और चीज़ें जान लो नेपच्यून में, नेपच्यून में और क्या जानोगे, डिस्टेंस जान लो। डिस्टेंस क्या है नेपच्यून की भाई? तो डिस्टेंस जो है नेपच्यून की वो है 4,502 मिलियन किलोमीटर। सोच सकते हो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इसकी सन से। तो कहाँ से सन की जो है वो रेज पहुँचेगी वहाँ तक? ठीक, और इसको कितना टाइम लगता है, एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, 165 ईयर्स। मतलब पैदा होके आदमी ऊपर भी चला जाएगा, उसके बाद भी आदमी दोबारा पैदा होके फिर बूढ़ा हो जाएगा, उतने दिन लगेंगे तब जाके आपका नेपच्यून वन पूरा रिवॉल्यूशन करेगा। एक रिवॉल्यूशन सिर्फ होगा उसका, किसके अराउंड, सन के अराउंड। क्लियर? तो आपको मैंने पूरे 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम इन 8 प्लैनेट्स को पढ़ने के बाद कहाँ मूव करेंगे बेटा, थोड़ा डिटेल मूव करेंगे, किस पे, अपने अर्थ के बारे में, कि हमारे अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब अर्थ के बारे में।